उषा का आईवी और उसको आईवी है कौन सा का आईवी में आईवी रूम और पर डबल बेड का पर नाइट 800 है यहाँ पे। और हम अभी कौन सा से लॉन्गडिंग और जा रहे हैं, अभी जस्ट निकल रहे हैं टाटा सुमो से। टाटा सुमो लॉन्गडिंग तो कौन सा तो लॉन्गडिंग का 250 लेते हैं। अभी मेरा लगेज पैक हो गया, हम निकलने के लिए रेडी कर रहे हैं, अभी निकल रहे हैं। ये है रूम, अभी लॉक कर दिया और अभी हमको निकलना है। अभी निकल रहा है लोडिंग की ओर। ये अभी चेकआउट हो गया और पर नाइट 800 डबल बेड का, सिंगल बेड का साइज 500 है। तो अभी ये जाएगा लोडिंग की ओर, देख सकते हैं निकल रहा है अभी। थैंक यू, निकल रहा है। ये है अभी कुछ इलेक्शन का मीटिंग चल रहा है और यहाँ पे बहुत सारा मीटिंग चल रहा है, हम निकल रहे हैं। कुछ इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन है। अभी निकल रहा है लॉन्डिंग को और अभी मेरे समय पीछे में वेट कर रहा है। बहुत काफ़ी तक गया, कौन सा काफ़ी तांदा है, धूप में निकले से गर्म और अंदर बैठने से तांदा। अभी इस समो काउंटर से जाएगा अभी मेरा समो। यह होल दीवार अच्छा बनाया है, देख हमारा ईटानगर में सब यूनियन को पोस्टर देके देते ऐसे में। गाड़ी काफ़ी है, टूरिस्ट वाला, टूरिस्ट वाला ही है, वो वाला गाड़ी है ना। ठीक है, ये है काउंटर लॉन्डिंग जाने का। हाँ, लॉन्डिंग जाने का काउंटर यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है लॉन्डिंग और 55 किलोमीटर है शायद। ये है काउंटर लॉन्डिंग जाने का। और मेरा समो ही यहाँ पे है, मेरा लगेज कहाँ पे रखे हुआ, लगेज रखने की जगह नहीं है ना इधर। तो इधर दो आदमी बैठे हैं ना, एक आदमी ये है ना, एक आदमी मेरा वन नंबर यही है ना, ऐसा ही। हाँ, ये लगेज कहाँ पे रखेगा। साथ में एडजस्ट करके बताना पड़ेगा क्या, बहुत बड़ा लगेज है। अभी हम निकल रहे टाटा सुमो से। और सुनने में आया कि रास्ता बहुत खराब है, क्या बोले
ले लेट भी हो गया ना हाई पैटर्न स्टैंड पे सो रहा है ले लेट हुआ ना आजा कितना बज पहुंचेगा लॉन्च कोई स्टैंड में जाओ 100 या कुछ का चल भाई रात हो जाएगा भाई देखो अच्छा हमको फिर होटल मिलेगा कि मिल जाए ओका होटल से ना हां मिल जाए ये आधा रास्ता पहुंच गया नौदिन से शायद 13 किलोमीटर दूर है यहाँ पे एक बस्ती में पहुंच गया अभी यहाँ रुका हूँ खाना वाना खा के फिर लॉन्गडिन को और जाएगा कौन सा बस्ती है पता नहीं है ये सुमेरा सुमो है लोकल खाना मिलेगा ना हाथ धोने जगह काम है यहाँ पे खाना खाके निकलेगा ये है रेस्टोरेंट लॉन्गडिंग और ये जो तिरप के बीच लॉन्गडिंग और कौनसा के बीच अभी रेस्टोरेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं खाना अभी हम खाना खा रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम अभी खाना खाना है खाना खाके फिर निकल जाएगा लॉन्गडिंग का और हम अभी तीसा बस्ती पे हूँ लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट तीसा बस्ती यहाँ पे हमको कोई बताया है ये जो लॉन्गडिंग पे यहाँ से लॉन्गडिंग टाउन 12 किलोमीटर है बोला है राइट नाउ आई एम हियर एट तीसा विलेज एंड नाउ आई एम गोइंग टू वर्ड लॉन्गडिंग और अभी मैं ये लॉन्गडिंग अभी जस्ट पहुंचा हूँ और आगे लॉज नहीं मिला था यहाँ पे हमको लॉज मिल गया आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है हमको लगा है इसे कुछ घर बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यू डिस्ट्रिक्ट है लॉन्गडिंग यू न्यू डिस्ट्रिक्ट है और मेरा ये लॉन्गडिंग में पहले बार है और लॉन्गडिंग में लॉन्गडिंग को कल एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊंगा हमें दिखाएगा
नोंगडिंग को। नोंगडिंग में हमारा वांगचू ट्राइब रहता है, हमारा वांगचू भाई लोग भाई बहन लोग का यहाँ पे रहता है, स्पेशली वो लोग का ये इलाका है। मैं अभी लोंगडिंग पहुँच गया हूँ, बहुत एक्साइटेड है लोंगडिंग में।